शादी मुबारक हो। एक भी इंसान जिंदा नहीं रहेगा, सबको खत्म कर दूंगी। शकुन कोठारी, मेरा खुदा। तो दोस्तों, फाइनली प्रेम की शादी मूवी से आया तगड़ा अपडेट। फिल्म की अनाउंसमेंट रिलीज डेट आई सामने। अब आएगा प्रेम की शादी फिल्म का अनाउंसमेंट टीजर। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सलमान खान ने अपनी फिल्मों से लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनकी फिल्म टाइगर ने 10 ओपनिंग तो की ही, लेकिन पठान के मुकाबले ज्यादा कमाई नहीं कर पाई। सलमान खान जहां करण जौहर की दबुल की तैयारी में लगे हुए है, तो वही खबर आ रही है कि उनकी किस्मत चमकाने के लिए कबीर खान और सूरज बड़जात्या भी साथ आए हैं। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक कबीर खान और सूरज बड़जात्या ने बिग बजट फिल्म बनाने के लिए हाथ मिलाया है। इसमें वह किसी और को नहीं बल्कि सलमान खान को कास्ट करने वाले हैं। खास बात तो यह है कि इस फिल्म की घोषणा सूरज बड़जात्या और कबीर खान सलमान खान के बर्थडे पर कर सकते हैं, जो कि 27 दिसंबर को है। हालांकि प्रोजेक्ट से जुड़ी ज्यादा जानकारी भी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन बॉलीवुड के इन तीनों दिग्गजों का साथ आना ही बड़े धमाके के लिए काफी है। बता दें कि सलमान खान ने सूरज बड़जात्या की कई फिल्मों में काम किया है, जिसमें मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं और प्रेम रतन धन पायो जैसी मूवी शामिल है। वही कबीर खान के साथ भी सलमान खान ने बजरंगी भाईजान बनाई थी, जो सबका दिल जीत चुकी है और आज भी इस फिल्म को टीवी पर बड़े प्यार से देखा जाता है। हालांकि कबीर खान और सूरज बड़जात्या की इस बिग बजट मूवी को लेकर आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन सलमान खान, सूरज बड़जात्या और कबीर खान, इन तीनों की तिगड़ी साथ आ रही है। ये बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाने का एक साइन है। इसके अलावा बात करें सलमान खान की अपकमिंग मूवीज की, तो इनकी अपकमिंग मूवीज की लिस्ट में कई सारी मूवीज है, जिसमें दबुल किक टू दबंग 4 और टाइगर वर्सेस पठान जैसी कई सारी बड़ी फिल्में हैं। वैसे आप कितने एक्साइटेड है प्रेम की शादी को लेकर कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी सलमान खान के डायहार्ट फैन हैं, तो ऐसे ही सलमान खान की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।